नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल CTET एंड TET प्रिपरेशन में। और आज की इस वीडियो में मैं भूगोल के NCERT नोट्स को लेकर आई हूँ, जो आपके CTET एग्जाम साथ में किसी भी TET एग्जाम और किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं, आज हम लोग ज्वालामुखी के बारे में पढ़ेंगे। तो ज्वालामुखी व ज्वालामुखी से निर्मित स्थल रोग, ज्वालामुखी चट्टानी पदार्थ लावा पृथ्वी के धरातल तक पहुंचता है। क्या है कि ज्वालामुखी चट्टानी पदार्थ लावा पृथ्वी के धरातल तक पहुंचता है। इसके बाद है, यदि यह पदार्थ कुछ समय पहले ही आया हो या अभी निकल ही रहा हो तो यह ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी कहलाता है। और यह जो ज्वालामुखी चट्टानी पदार्थ है, यह अगर कुछ ही समय पहले बाहर आया हो और अगर अभी निकल ही रहा हो तो इस तरह का ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी कहलाता है। इसके तरल चट्टानी पदार्थ दुर्बलता मंडल से निकल कर धरातल पर पहुंचता है। जब तक यह पदार्थ मेंटल के ऊपरी भाग में है यह मैग्मा कहलाता है। और यह दुर्बलता मंडल से निकल कर जो यह चट्टानी पदार्थ होता है यह धरातल पर पहुंचता है। जब तक यह पदार्थ जो है जो मेंटल के ऊपरी भाग में रहता है, मेंटल के ऊपरी भाग में है, तो यह क्या कहलाता है? मैग्मा कहलाता है। इसके बाद है, जब यह भूपटल के ऊपर या धरातल पर पहुंचता है तो लावा कहा जाता है। और जब मेंटल के ऊपरी भाग तक भाग में रहता है तो मैग्मा कहलाता है। और भूपटल के ऊपर या धरातल पर पहुंच जाता है तो क्या कहलाता है? लावा कहलाता है। वह पदार्थ जो धरातल पर पहुँचता है उसमें लावा प्रवाह, लावा के जमे हुए टुकड़े व मलबे, ज्वालामुखी बम, राख, धूलकण और गैस जैसे नाइट्रोजन यौगिक, देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नाइट्रोजन यौगिक, सल्फर यौगिक, कुछ मात्रा में क्लोरीन भी रहता है, हाइड्रोजन, ऑर्गन, ये सब शामिल होते हैं। इसके बाद हम लोग सील्ड ज्वालामुखी को देखते हैं कि बेसाल्ट प्रवाह को छोड़कर पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी ज्वालामुखियों में सील्ड ज्वालामुखी सबसे विशाल है। बेसाल्ट प्रवाह को छोड़कर पृथ्वी पर जितने भी ज्वालामुखी पाए जाते हैं उन सभी ज्वालामुखी में सील्ड ज्वालामुखी सबसे विशाल होता है। और हवाई द्वीप के ज्वालामुखी इसके सबसे अच्छे उदाहरण हैं। और हवाई द्वीप के जो ज्वालामुखी है इसके सबसे अच्छे उदाहरण है। इसके बाद है, वे ज्वालामुखी मुख्यतः बेसाल्ट से निर्मित होते हैं तो तरल लावा के ठंडे होने से बनते हैं। यह लावा उद्गार के समय बहुत तरल होता है, इसी कारण इन ज्वालामुखियों का ढाल तीव्र नहीं होता। और ज्वालामुखी जो बेसाल्ट से निर्मित होते हैं तो जो तरल लावा के ठंडे होने से बनते हैं तो वह लावा जो होता है लावा उद्गार उद्गार के समय बहुत तरल होता है और इसी कारण इस ज्वालामुखी का ढाल तीव्र नहीं होता है। इसके बाद है, यदि किसी तरह निकास नालिका से पानी भीतर चला जाए तो ज्वालामुखी विस्फोटक भी हो जाते हैं, अन्यथा कम विस्फोटक होना ही इनकी विशेषता है। और क्या होता है, कभी कभी निकास नालिका से पानी अगर भीतर चला जाता है तो ज्वालामुखी विस्फोटक हो जाता है और अन्यथा कम विस्फोटक होना ही ज्वालामुखी की विशेषता है। इसके बाद है, इन ज्वालामुखियों से लावा फव्वारे के रूप में बाहर आते हैं और निकास पर एक शंकु बनाता है जो सिंडर शंकु के रूप में विकसित होता है। और ये जो ज्वालामुखी होते हैं इससे लावा फव्वारे के रूप में बाहर आते हैं और निकास के पर आके एक शंकु बनाता है जो सिंडर शंकु के रूप में विकसित होता है। ठीक है, आगे देखते हैं मिश्रित ज्वालामुखी। मिश्रित ज्वालामुखी क्या होता है? इन ज्वालामुखियों में बेसाल्ट की अपेक्षा अधिक ठंडे व सयन यानी गाढ़ा या चिपचिपा लावा उद्गार होता है। प्रायः ये ज्वालामुखी भीषण विस्फोटक होते हैं और इस तरह के ज्वालामुखी भीषण विस्फोटक होते हैं। इसके बाद है, इनसे लावा के साथ भारी मात्रा में ज्वल खंड शिम पदार्थ व राख भी धरातल पर पहुंचती है और यह पदार्थ निकास नली के आसपास परतों के रूप में जमा हो जाती है जिसके जमाव से मिश्रित ज्वालामुखी के रूप में दिखते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं ज्वालामुखी कुंड। ये पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे अधिक विस्फोटक ज्वालामुखी है। आमतौर पर ये इतने विस्फोटक होते हैं कि जब इसमें विस्फोट होता है तब वे ऊंचा ढाल बनाने के बजाय स्वयं नीचे धंस जाते हैं। यहाँ देखिए कि यह जो होता है ज्वालामुखी कुंड के बारे में हम लोग देख रहे हैं कि पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे अधिक विस्फोटक ज्वालामुखी यह होता है। और आमतौर पर यह इतना ज़्यादा विस्फोटक होता है कि इसमें अगर विस्फोट होता है तब वह ऊंचा ढांचा बनाने के बजाय क्या होता है, स्वयं ही नीचे धंस जाता है। इसके बाद है, धंसे हुए विध्वंस गर्त यानी लावा के गिरने से जो गड्ढे बनते हैं
वे ज्वालामुखी कुंड कहलाते हैं। ठीक है, ज्वालामुखी कुंड क्या कहलाते हैं? वही जो विध्वंस गर्त, जो लावा के गिरने से गड्ढे बनते हैं, वो ज्वालामुखी कुंड कहलाते हैं। इसका इनका यह विस्फोटक रूप बताता है कि इन्हें लावा प्रदान करने वाले मैग्मा के भंडार न केवल विशाल है, वरन इसके बहुत पास स्थित है। इसके द्वारा निर्मित पहाड़ी मिश्रित ज्वालामुखी की तरह प्रतीत होता है। आगे देखते हैं बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र। ये ज्वालामुखी अधिक तरल लावा उगलते हैं जो बहुत दूर तक बह निकलता है। और ये जो बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र के बारे में हम लोग देख रहे हैं कि ये ज्वालामुखी जो होता है, जो अत्यधिक तरल लावा को उगलता है, जो बहुत दूर तक बह जाता है। संसार के कुछ भाग हजारों वर्ग किलोमीटर घने लावा प्रवाह से ढके हैं। इनमें लावा प्रवाह क्रमानुसार होता है और कुछ प्रवाह 50 मीटर से भी अधिक मोटे हो जाते हैं। कई बार अकेला प्रवाह सैकड़ों किलोमीटर दूर तक फैल जाता है। इसके बाद है भारत का दक्कन ट्रैप, जिस पर वर्तमान महाराष्ट्र पठार का ज़्यादातर भाग पाया जाता है, बृहद बेसाल्ट लावा प्रवाह क्षेत्र है। और भारत का दक्कन ट्रैप जो है, जिस पर जो वर्तमान महाराष्ट्र पठार का ज़्यादातर भाग पाया जाता है, जिस पर वे बृहद बेसाल्ट लावा प्रवाह क्षेत्र है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि आज की अपेक्षा आरंभ में एक अधिक बृहद क्षेत्र इस प्रवाह से ढका था। यहाँ पे एक और टॉपिक हमारा समाप्त होता है। आगे के वीडियोज़ में मैं और भी एनसीईआरटी नोट्स को लेकर आती रहूँगी। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकॉन को प्रेस ज़रूर करें। धन्यवाद।